ऐप यूपीआई बेस्ड गवर्नमेंट ऐप है, जिसकी मदद से आप किसी के भी अकाउंट में बहुत ही आसानी से तुरंत ही पैसे सेंड कर सकते हैं। किसी से आप पैसे मांगने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने कई सारे बिल्स का पेमेंट कर सकते हैं। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बिजली का बिल है, केबल का बिल है, क्रेडिट कार्ड का बिल है, और भी बहुत सारे बिल यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। आप किसी को डिजिटल गिफ्ट दे सकते हैं, आप डोनेशन कर सकते हैं, और बहुत सारे कैश ट्रांजेक्शन आप इस ऐप की मदद से कर सकते हैं। वैसे भी आज के टाइम की ये बहुत बड़ी जरूरत बन गई है कि हम कैशलेस ट्रांजेक्शन करें। तो आइए जानते हैं कि कैसे आपको भीम ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है और कैसे आपको अपने अकाउंट को लिंक करना है, कैसे यूपीआई पिन सेट करना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के भीम ऐप को इंस्टॉल करना है। अब इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है, तो कि जो भी प्रिफर्ड लैंग्वेज है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। अब आगे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है जिन्हें अलाउ करना होगा। यहाँ पर डिवाइस लोकेशन के लिए परमिशन मांग रहा है, जिसे अलाउ करते हैं। यहाँ पर मैसेज के लिए परमिशन मांग रहा है, इसे भी अलाउ करते हैं। अब ये आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई कर रहा है, जो आपका बैंक अकाउंट के साथ लिंक होगा। जिस मोबाइल से आप भीम ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं वो आपका बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर नंबर वेरिफिकेशन हो रहा है, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पर आपको 4 डिजिट का पासकोड बनाना है अपना। पासकोड इंटर करने के बाद आपको पासकोड को एक बार कन्फर्म करना है और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कितने सारे बैंक ओपन होकर के आ गए हैं, लेकिन आपका ये जो मोबाइल है जिससे आपने भीम ऐप इंस्टॉल की है वो जिस बैंक के साथ रजिस्टर्ड है, आपको वो बैंक यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर केनरा बैंक सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर आपका अकाउंट आ गया है, ये आपका अकाउंट नंबर है। अगर आपके एक से ज्यादा अकाउंट होंगे वो सारे अकाउंट यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक ही अकाउंट है तो एक अकाउंट आया है। अभी मुझे क्या करना है, इस अकाउंट का मुझे 6 डिजिट का यूपीआई पिन सेट करना है। अगर मेरे 3-4 अकाउंट होते तो मुझे सभी अकाउंट का अलग अलग यूपीआई पिन सेट करना होता। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी। अब यहाँ पर देखिए ये एक मैसेज आया है सेट यूपीआई पिन का, यहाँ पर ओके करते हैं। यहाँ पर हमें जो डेबिट कार्ड मिला हुआ है उसके लास्ट 6 डिजिट के नंबर डालना है। यहाँ पर उसकी एक्सपायरी डेट डालनी है, कब तक वैलिड है कार्ड आपका, और यहाँ क्लिक। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको इंटर करना होगा। उसके बाद आपको अपना 6 डिजिट का यूपीआई पिन सेट करना होगा और उसके बाद आपको कंफर्म करना होगा 6 डिजिट यूपीआई पिन, और आपका यूपीआई पिन सेट हो जाएगा।